हिमांशी का रीजन ये है कि ये बीमार है, ज़्यादा सो रही है। एनर्जी वाइज यस, हिमांशी इज एनर्जी इज लो। बिग बॉस, बिग बॉस, मैं हिमांशी की जगह वॉलंटियर करता हूँ और मैं उनकी जगह ये पहरेदारी कर सकता हूँ क्योंकि वो काफी बीमार है और वो और बीमार हो जाएंगी। अगर सबको लगता है कि मैं वीक हूँ, मैं जागूंगी अब, ठीक है, और मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली। हिमांशी खुराना के बिग बॉस 13 में जब से वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के आई हैं, मानो जैसे घर में एक बड़ा धमाका होने का पूरा आगाज था। पर अफसोस, हिमांशी ने अब तक किसी भी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की। बिग बॉस द्वारा दिए गए टास्क में घर वालों ने किया फैसला जिसमें हिमांशी के आंखों से आ गए आंसू। अब आपस में विचार विमर्श करके बिग बॉस को ये बताएं कि वो दो सदस्य कौन है। मेरे दो नाम है हिमांशी और खेसारी। मेरे हिसाब से भी हिमांशी एंड खेसारी जी। हिमांशी और खेसारी जी मेरे लिए पहले तो हिमांशी रहेंगी। दूसरा सर, खेसारी भाई का नाम लूंगा। हिमांशी का रीजन ये है कि ये बीमार है, ज़्यादा सो रही है। एनर्जी वाइज यस, हिमांशी इज एनर्जी इज लो। अगर सब लोग ये चीज सोच रहे हैं कि मेरा एनर्जी लेवल उस वजह से है, एनर्जी लेवल आपने मेरा पहले 3 दिन में या 2 दिन में कैच कर लिया। पहले 2-3 दिन इक्वेशन में लगे, अब जब मैं फॉर्म पकड़ने लगी तो मैं बीमार हो गई। हिमांशी और खेसारी, आपको जागने की जरूरत है, इसलिए आप दोनों अब से बिग बॉस के अगले आदेश तक जागते रहेंगे और बेडरूम के बाहर पहरा देंगे। बिग बॉस, बिग बॉस, मैं हिमांशी की जगह वॉलंटियर करता हूं और मैं उनकी जगह ये पहरेदारी कर सकता हूं क्योंकि वो काफी बीमार है और वो और बीमार हो जाएंगी। अगर सबको लगता है कि मैं वीक हूं, मैं जागूंगी अब, ठीक है, और मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली। क्या लगता है आपको कि घर वालों ने ये फेयर डिसीजन लिया है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।